हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से आपकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होती है वो जानेंगे। कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यदि एडमिशन लेना हो तो आपके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, और प्राइवेट कॉलेज में लेना हो तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात कि यदि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको एमबीबीएस करने के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें आपके पास 14 ऑप्शंस है। मीन्स एमपी में 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो अब हम उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं और कौन सा बेस्ट कॉलेज है सबसे। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, जो कि बहुत अच्छा और पुराना कॉलेज है जिसमें 250 सीट्स हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 200 सीट्स हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में 250 सीट्स है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स है। तो ये जो चार मेडिकल कॉलेज है बहुत पुराने हैं और सबसे बेस्ट कॉलेज है एमपी के, ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पे आता है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, जिसमें अभी 150 सीट्स है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 125 सीट्स है। जीएमसी रतलाम में 180 सीट्स है। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा में 180 सीट्स है। जीएमसी दतिया में 120 है। जीएमसी खंडवा में 120 सीट्स है। तो ये जो आपको हमने सागर के बाद जो बताया कॉलेज, रतलाम, विदिशा, दतिया और खंडवा, ये 2018 में ओपन हुए हैं, ठीक है। तो रतलाम और विदिशा में 180 सीट्स एंड दतिया एंड खंडवा में 120 सीट्स है। अब ऐसे कॉलेज और न्यूअर कॉलेज है जो कि 2019 में ओपन हुए हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा, शहडोल एंड शिवपुरी। तो इन तीनों कॉलेज में 100 सीट्स है, ठीक है। तो ये आपके 14 कॉलेज हो गए। फिर एक कॉलेज और ओपन हुआ था न्यू लास्ट ईयर, जिसका नाम है जीएमसी सतना, ठीक है। तो जीएमसी सतना में 150 सीट्स है। तो ऐसे टोटल आप देखिए, और डेंटल की आप 63 सीट्स ऐड करने के बाद आपके पास 2338 सीट्स टोटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब आप देखिए कि इतनी सीट्स होने के बाद भी ये टोटल सीट्स का नंबर हो गया, तो आपको पता है कि 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटे में चली जाती है। मतलब इतनी सीट्स में से 348 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली गई, जिसके बाद और फिर रिजर्वेशन होता है। तो ये सब रिजर्वेशन हटाने के बाद यहाँ देखिए कि लास्ट में लिखा है ओपन ऑल कैटेगरीज। तो इतनी सीट्स बचती है स्टेट के बच्चों के लिए 85% कोटा में, लेकिन उसमें भी आपको पीडब्ल्यूडी कोटा, सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा और गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ये कोटा लगता है। तो इसमें भी सीट रिज़र्व हो जाती है, तो ये सिर्फ उस रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट को ही मिलता है। इसमें जो भी बच्चा जिसको किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं है वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो ये सब चीज़ें हटने के बाद कि ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स, और ये जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को, सैनिक कोटा को, फ्रीडम फाइटर को, जीएस कोटा को, ये सब हटने के बाद फिर आप देखिए कि 2338 सीट्स में से ओनली 1647 सीट्स ही बचती है, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन कितना परसेंट है, तो जो पीडब्ल्यूडी कोटा है उसमें 5% रिजर्वेशन, सैनिक कोटा में 5%, फ्रीडम फाइटर में 5, जीएस में 5, ये सब चीज़ें होती है जो कि सारी कैटेगरी से सीट निकाली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक कैटेगरी से निकाल के वो सीट दी जाती है, वो ओवरऑल सारी कैटेगरी से सीट निकाला जाता है, फिर जितनी सीट बचती है वो उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी को दे दी जाती है। उसके अलावा और आपको हम बताते हैं कि आप देखिए कि एमपी में जो रिजर्वेशन है वो एसटी कैटेगरी को 20% दिया जाता है, एससी कैटेगरी को 16%, ओबीसी को 14% एंड ईडब्ल्यूएस को 10%, ठीक है। ये रिजर्वेशन देने के बाद 40% सीट्स बचती है जो कि यूआर या जनरल कैटेगरी के लिए होती है। जैसे सपोज़ जीएमसी भोपाल में 250 में से बहुत सी सीट्स ऑल इंडिया में चली गई, और जितनी रिमेनिंग 173 सीट्स बची उसमें से 35 सीट्स रिजर्व हो गई एसटी के लिए, एससी के लिए 28, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 17। मींस इतने जो बच्चे हैं जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हैं, ये सीट्स इन्हीं की हैं, इसमें दूसरा कैटेगरी का बच्चा नहीं आ सकता है। और जो अनरिजर्व की सीट है 40% मीन 69 सीट्स, इसमें किसी भी कैटेगरी का बच्चा यदि उसके मार्क्स ज़्यादा है तो वो ये सीट को ले सकता है। मतलब ये सीट सभी कैटेगरी के लिए ओपन है, लेकिन जो रिजर्व सीट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था लास्ट ईयर का। इस ईयर आई थिंक सेम ही रहने वाला है। यदि आपको पता है कि 5 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन इस ईयर से ही ओपन हो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि कॉलेज का बहुत अधिक अभी काम पेंडिंग बचा हुआ है। तो इस ईयर से तो बहुत ही कम चांसेस हैं, तो लगभग सेम ही रहने वाला है इस ईयर भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इतनी सीट मिलेगी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो प्राइवेट कॉलेज है अपने पास 12, ठीक है, जिसमें पीपल्स कॉलेज भोपाल, एलएनएन कॉलेज भोपाल, चिरायू सीएमसी भोपाल, श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, इंडेक्स इंदौर, आरडी गार्डी उज्जैन, अमलतास देवास, आरकेडीएफ भोपाल, एलएनसीटी इंदौर, सुख सागर जबलपुर,
महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, एंड जो न्यू मेडिकल कॉलेज खुला था लास्ट ईयर, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल। तो ये सारे कॉलेज है जिसमें मोस्टली कॉलेज में 250 सीट्स है, अपर फोर में, बीच के कॉलेज में 250, मतलब ऐसे पांच कॉलेज है जहाँ पे आपको 250 सीट्स मिलेगी देखने को, और बाकी कॉलेज में 150 सीट्स। ऐसे टोटल आपको 2300 सीट्स मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में MBBS करने के लिए। फिर इसमें भी आपका 15% NRI कोटा है, रिमेनिंग सीट्स इतनी बची। फिर यहाँ पे भी PWD कोटा और GS कोटा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो सैनिक और जो फ्रीडम फाइटर कोटा है वो सिर्फ आपको गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे दो रिजर्वेशन, एक GS कोटा और एक PWD कोटा, ये दोनों आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज MBBS के लिए दोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको MBBS करने के लिए प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसी टोटल 2300 में से 1755 सीट्स बचती है जो कि ओपन होती है सभी बच्चों के लिए। और यहाँ पे फिर अलग अलग जो भी आपका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन था, मेनली आपको यहाँ कॉलेज बताना था कि कॉलेज कौन कौन से हैं। तो 14 कॉलेज हैं जिसके नाम हमने आपको बता दिया है, और यहाँ पे 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसके नाम ये हैं, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया है। और आप किन वीडियोस पे, और यदि आपको वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए। और लास्ट ईयर भी हमने बहुत बच्चों की हेल्प की थी, इस ईयर भी आपकी हेल्प किया जा रहा है, जिसमें आपको काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें, रिज़ल्ट आने से लेके रजिस्ट्रेशन करने तक, MPDME की साइट पे रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के बाद सीरियल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग कॉलेज में करने, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको एक एक बात ध्यान से सुननी है, वीडियो में जो बताई जाती है आपको निश्चित ही इससे हेल्प होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी फर्दर नोटिस आए काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको मिल जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच।